से मेरी बात सुनो, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि तुम सत्य के साथ ही रहो। उसने जो कुछ भी कहा उन बातों को अपने आप पर हावी मत होने दो, खुद पर असर मत पड़ने दो। मैंने देख लिया सत्य सच में बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यार करता है तुमसे, परवाह है उसे तुम्हारी। तुम हमेशा उसकी पहली प्रायोरिटी रहोगी, खुश भी रखेगा, जो मैं तुम्हें कभी नहीं रख पाया। जो कुछ भी कर रहा है वो तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि हम दोनों एक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन हो पाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो विराट? सच कहूं सही, मैं यहां से जिंदा नहीं जा पाऊंगा वापस। तुम लोगों को बंदी बनाना इन टेररिस्ट की मजबूरी है, लेकिन मेरे साथ इनकी निजी दुश्मनी है। तुम सबको छोड़ देंगे लेकिन मुझे नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मत बोलो ये सब। प्लीज मेरी बात सुनो सही, अभी मेरा फर्ज सिर्फ और सिर्फ इन पैसेंजर्स के बारे में सोचना है, और मैं पूरा ख्याल रखूंगा एक एक पैसेंजर यहां से सही सलामत निकलेगा और अपने घर पहुंचेगा। इसे मैं चाहता हूं कि तुम हमारे बच्चों को लेकर सत्य के साथ चली जाओ और मेरा इंतजार मत करना प्लीज। विराट प्लीज, उसे ऐसा कुछ करने के लिए मत कहो जो मैं कर नहीं पाऊं। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूं, हम सब यहां से सुरक्षित जाएंगे, समझे तुम? एक साथ सुरक्षित। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे बच्चों के लिए मुझसे कहीं ज्यादा तुम जरूरी हो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और हमारे बच्चों के लिए तुमसे अच्छी माँ कोई हो ही नहीं सकती। जब भी सभी को देखता हूँ तो वाकई तुम्हारी परवरिश को लेकर फख्र महसूस होता है। ये बात मैं तुमसे कहना चाहता था सही, लेकिन कभी कह नहीं पाया। विराट प्लीज, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? सही प्लीज कह नहीं दो। सही तुम और सत्या मिलकर हमारे बच्चों को ना एक अच्छी जिंदगी देना, बीनू को अपने साथ ही रखना, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं जानता हूं तुम और सत्या उसे एक अच्छी परवरिश दोगे, पढ़ाओगे, अच्छा डॉक्टर बनेगा वो, और वो सब देखने के लिए तुम साथ होगे, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं करने वाली, समझे तुम? प्लीज सही से मत करो, मेरी बात मान लो, ये लोग मुझे मार देंगे। कुछ नहीं होगा फिर, सब ठीक हो जाएगा। सर, अब बेटा फील करें, प्लीज घबराइएगा मत, हाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। प्लीज गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए। हम नहीं बचेंगे, में से कोई नहीं बचेगा, और अगर बाकी लोग बच भी गए तो मैं नहीं बचूंगा। उन हाईजैकर्स ने मुझे जिंदा इसलिए रखा है ताकि मैं उन्हें यहां से कहीं ले जा सकूं। एक बार उनका काम हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज ब्रीथ, कुछ नहीं हुआ। अगर वो यहां से सेफली नहीं गए ना तो पूरे प्लेन को बम से उड़ा देंगे। उनके पास बहुत सारे बॉम्ब हैं, कुछ कार्गो में और कुछ उनके पास, जाने उनके पास कितने और होंगे, सब खत्म हो गया। सारे बॉम्ब्स, आखिर लोग करना क्या चाहते हैं इससे? इसलिए मैंने कॉकपिट खोला था, क्योंकि वो मुझे प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। इतने सारे बॉम्ब्स होंगे ये कभी नहीं सोचा था। खोला, लूजर है। सब बैठो। प्लीज 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 कम डाउन, प्लीज रिलैक्स। ठीक हो गया है ना ये? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो दोनों निकलो। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। गिव योर हैंड।
शाबाश डीसीपी, ऐसे ही अच्छे बच्चे की तरह पड़े रहे। जब तेरा टाइम आएगा ना तो तुझे भी लेने आऊंगा। ए संपत, नजर रख अच्छे से और बिल्कुल लापरवाही नहीं चाहिए मेरे को, समझा? ए जल्दी कर, चल थकेला बैठ जल्दी अपने जगह पे, चलो जल्दी करो, लौकर डॉक्टर लौकर। लगता है ये खाकी वालों से मेरे को ही बात करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है जैसे बैंक का अकाउंट खोल रहे इतना टाइम लगा रहे। अरे अब तक रमा को अपने पास होना चाहिए था। अगर इन लोगों ने नहीं अपनी बात मानी ना तो एक एक करके सबकी लाश में तोपे पे भेजेगी, देखता कैसे नहीं मानते ये लोग। ए पायलट और चल जल्दी कर कॉकपिट पे लेके चल, चल 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 लौकर। ए चल चल कनेक्ट कर जल्दी कर। यस कैप्टन। रमाकांत पुजारी की बीवी बोल रही हूँ, कमिश्नर से बात करा। कमिश्नर साहब को जल्दी बुलाइए, रमाकांत पुजारी की वाइफ कमिश्नर साहब से बात करना चाहती। कमिश्नर सर जल्दी से कंट्रोल रूम में आइए, इट्स एन अर्जेंट। कौन सर? रमाकांत की वाइफ लाइन पर है। कमिश्नर दिस साइड। ए कमिश्नर जस्ती अंग्रेजी में पटर पटर मत कर, लगता तो हम लोग को बहुत हल्के में ले रहा है। रमाकांत किधर है? हाँ ये तेरा थोड़ी देर का नाटक कब तक चलेगा? ना 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 तू जवाब मत दे, मैं ही देती है। मेरे को रमाकांत से बात करने का है, अभी अभी बात करा चल। लगता है मेरी आवाज तेरे कान तक नहीं जा रही कमिश्नर, मुझे कुछ धमाका करना ही पड़ेगा, उससे तेरा कान भी खुल जाएगा और कुछ लोगों के लिए नरक के दरवाजे भी। खबरदार तुम किसी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, मैं करवाता हूँ तुम्हारी बात। रमाकांत को बुलाओ जल्दी। हेलो हे रमा, रमा कशा है तू? मेरे बिना बहुत मुसीबत में हो रहे, बाकी सब मजे में। किधर है रमा? ये लोग बोल रहे टाइम लगेगा। रे कितना टाइम लगेगा रे? अब तू आ गई है ना तो मुझे पूरा यकीन है हमारा मिलन बहुत जल्द होगा, और ये खाकी लोग अब अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। तू देखना आज का डिनर लोग साथ में करेंगे, ले जाओ इसे। चलो हो गई बहुत बकवास, अब सौदा करते हैं। सौदा करने आए हो ना, तुम वहां से पैसेंजर्स को भेजो, हम यहाँ से रमाकांत भेजते हैं। देख कमिश्नर, मैं बाकी सारे पैसेंजर को तो भेज दूंगी, लेकिन डीसीपी विराट उसकी फैमिली और पायलट को नहीं भेजेगी, बराबर? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हमने तुम्हारी शर्तें पूरी की हैं, पूरे 50 करोड़ कैश दिए हैं और रमाकांत को भी भेज रहे हैं, अब तुम कोई और शर्त नहीं रख सकती हो। क्या रे कमिश्नर, हाँ तू डीसीपी विराट और उसकी फैमिली के लिए इतने सारे पैसेंजरों की जान खतरे में डालेगा, तेरे को उनकी परवाह नहीं है क्या? अरे उनकी जान के लिए मान ले मेरी शर्त, मान ले। मेरे लिए सबकी जान एक बराबर है, आएंगे तो सारे, नहीं तो रमाकांत को नहीं भेजा जाएगा। अच्छा चल ठीक है, तो अभी मैं जो करेगी ना उसके जिम्मेदार तुम लोग ही होंगे। तू मेरे धमाके का वेट कर, एक एक करके तेरे लिए मैं तोहफे भिजवाती हूँ, उठवा लेना कमिश्नर। तुम कोई पागलपन मत करना, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तू देख कमिश्नर क्या होता है। रिलैक्स रिलैक्स, वो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, उसका पति हमारे पास है, ब्लफ कर रही है हमसे वो, सो डोंट पैनिक, रिलैक्स। चल चल बैठ अपनी जगह पे, ये खाकी वाले मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं, रमाकांत पुजारी की बीवी को हल्के में ले रहे, मेरे आगे शर्त रखेंगे, हाँ मेरे रमा को मेरे से दूर रखेंगे। मैं बताती ना इनको मैं क्या कर सकती है, बताती है मैं। ए निकले नौकर, उछल याला, उठा इसकी बॉडी और फेंक उनके मुंह पे, चल चल निकल जल्दी, चल जल्दी कर, चल उठा, मैं दिखाती है मैं क्या कर सकती।
मेरे को हल्के में लेंगे। सर, इन्होंने प्लेन से एक बॉडी फेंकी है। उस बॉडी को कैब में लेकर आओ फौरन। यस सर। सर, ये तो प्लेन स्टाफ की बॉडी है। सर, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वो औरत वाकई लोगों को मार रही है। ओ विराट, जल्दी से कोई सिग्नल भेज दे। हम रमाकांत को यूं ही नहीं सौंप सकते हैं। क्या गारंटी है कि रमाकांत को सौंपने के बाद वो कुछ नहीं करेंगे? मैं विराट के सिग्नल का इंतजार कर रहा हूं। मार्शल की बॉडी को बाहर फेंकती है। हाँ, तब तक तुम लोग आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले लो किसको दूसरा नंबर लगाने का है। एकड़े, उठा इसको, बाहर फेंक, चल हाथ लगा। सर, एक और बॉडी आई है। सर, इस बार तो एयर मार्शल की बॉडी है। विराट की तरफ से अभी भी कोई सिग्नल नहीं आया। नहीं सर, उनके कैमरे का सिग्नल टूट चुका है और हमें नहीं पता कि वो अंदर क्या प्लान कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें रमाकांत को भेजना ही पड़ेगा। एटीसी से कॉल आ रहा है। शायद कमिश्नर लाइन पर है। लाइन पर नहीं है, उसको लाइन पर लाया गया है। बोला कमिश्नर साहेब, ऐसा लगा मेरा तोहफा पसंद आया कि नहीं? तुम कुछ नहीं करोगी, किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। हम रमाकांत को भेज रहे हैं। और मेरी शर्त का क्या? मंजूर है। विराट और उसके परिवार के अलावा बाकी जितने भी पैसेंजर्स हैं सबको रिहा कर दो। हम रमाकांत को भेज रहे हैं। चल ठीक है, मैं पीछे के दरवाजे से पैसेंजर्स को छोड़ेगी, तू आगे के दरवाजे से रमाकांत को छोड़। लेकिन उससे पहले तेरे सारे स्नाइपर्स हटा दे। मैं अपना एक आदमी भेजेगी चेक करने के लिए, उसके बाद ही पैसेंजर्स को छोड़ेगी मैं, बराबर? ठीक है। कदम, सभी स्नाइपर्स को कहो वापस आ जाएं। सो ऑल स्नाइपर लीव पोजीशन, कमिश्नर सर का ऑर्डर है, वापस आ जाओ। सही का फोन है ये तो। पासवर्ड क्या होगा? वीनू या सभी का बर्थडे होगा। वीनू का नहीं है, सभी का भी नहीं है। एनिवर्सरी की डेट उसके फोन का पासवर्ड हो सकती है। ट्राई कर दो। अगर
सेफ्टी डेस्क स्नाइपर हटाया कि नहीं। आइका, एक गुड न्यूज है, सरकार ने हमारी मांगे मान ली, अभी सब अपने अपने घर जा सकते हो। हाँ बस बस, मैं बोलेगी उसके बाद एक एक करके जाएंगे, समझ लिया? और हाँ, चौहान फैमिली से कोई नहीं जाएगा, नॉट अलाउड। सर क्या करता है, हमको जाने दो ना। ए, चल बस। अश्विनी माफ कर दो मुझे। कहा चला, अब ऐसे क्यों बोल रहे? तुम्हारी जिंदगी के कितने साल मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे बिना इतने सारे साल मैंने बर्बाद कर दिए, उनकी अहमियत आज पता चल रही है मुझे, इन आखिरी पलों में। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अश्विनी, अब कोई उम्मीद नहीं है, नहीं बचने वाले, ये लोग नहीं छोड़ेंगे हमें। मत कहिए ऐसा, आप असीम मत रखिए ना, अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है निनाद, सभी विनायक को बड़ा होते हुए देखना है, उनके सपनों को पूरा होते हुए देखना है, सब अपना हिम्मत मत हारिए। मुझे भी लगता है काश ये पूरा सपना होता, मेरी आंखें खुले और ये सब भूल जाऊं, जैसे ये सब कुछ हुआ ही ना हो। अचुपा, अब मत चलो, कुछ नहीं होगा। लिजिया ताला भाई के लिए हमारी मैरिज एनिवर्सरी आज भी इतनी मायने रखती है। लगता है रमाकांत को छुड़वाने के लिए पुलिस को मजबूर किया है इन लोगों ने। स्नाइपर्स भी हट गए और भाव को भी ले आए हैं। ए, एक एक करके सबको बाहर निकाल। चल, चौहान फैमिली को छोड़ के सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, कोई भी नहीं हिलेगा। एक एक करके सबके सब बाहर जाएंगे। ए, बाहर निकल। सारे पैसेंजर्स को बाहर आ जाने दीजिए, जैसे ही सब बाहर निकल जाएंगे मैं भीमा और उसके आदमियों पर हमला कर दूंगा। आप एक स्नाइपर को आगे वाले डोर पर नजर रखने को कहिए और थोड़ा संभल के, प्लेन में बॉम्ब है। लेकिन मुझे बॉम्ब की लोकेशन नहीं पता, इसलिए बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लीजिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।